सो हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक वुड। तो मैं अमन दीवान अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो ये वीडियो है टेक वुड टेक न्यूज नंबर 4। तो अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को टेक वुड को, और साथ साथ जो पास में बेल आइकन है उसको ऑल पे टिक कर लीजिएगा, जैसे कि मेरा सारे जो टेक न्यूज़ हैं वो आप तक पहुंच सके हर रात में 8 बजे। तो सबसे पहली खबर है एयरटेल की ओर से। तो एयरटेल अपना नया प्लान लॉन्च कर दिया है, जो कि है डिज्नी हॉटस्टार के लिए। जो ऐसा कि मैंने आपको पिछली टेक न्यूज़ में बताया है कल या परसों की, जो जियो अपना एक प्लान लाया था जिसके तहत उसने अपने प्लान्स में फ्री IPL देखने का सजेशन दिया था, यानी आप फ्री में IPL देख सकते हैं जियो के उन प्लान्स पर। तो वैसा ही कई प्लान लेकर आया है एयरटेल अपनी ओर से डिज्नी हॉटस्टार प्लस के लिए। तो ये लेकर आया है, इसमें प्लान्स है 448 रुपये और 499 रुपये, 599 रुपये, 2698 रुपए का, ये प्लान्स हैं। और इन सभी प्लान्स में आपको 1 ईयर्स का डिज्नी प्लस हॉटस्टार का VIP सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो दूसरी खबर है हमारी नोकिया की ओर से। तो नोकिया फ्लिपकार्ट की ओर से है। नोकिया एंड फ्लिपकार्ट ने कॉम्बो अपना पार्टनरशिप करके एक चीज लॉन्च किया है, जो कि है मीडिया स्ट्रीमर, जिससे आप अपने जो LCD है उसमें कनेक्ट करके HDMI पोर्ट के द्वारा कनेक्ट करके आप नेटफ्लिक्स और G5 जैसे OTT जो प्लेटफॉर्म है उसको देख सकते हैं। तो आप लोग इसको देखने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा 3500 रुपये, यानी 3499 रुपये आपको पे करने होंगे इस नोकिया मीडिया स्ट्रीमर के लिए। और ये आपको देखने को मिलेगा 28 अगस्त को फ्लिपकार्ट सेल पर। तो फ्लिपकार्ट की ब्रांडिंग के साथ ये आता है नोकिया स्ट्रीमर, मीडिया स्ट्रीमर। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज़ जाकर 28 अगस्त को देख सकते हैं। तो अगली खबर है हमारी ओप्पो की ओर से। तो ओप्पो का जो इंडिया ट्विटर अकाउंट है उससे इन्होंने एक टीज कर दिया है ओप्पो F17 प्रो के बारे में। तो ये हो सकता है जल्दी ही लॉन्च कर दिया जाए इंडिया में, क्योंकि इन्होंने ओप्पो इंडिया ट्विटर अकाउंट से ये पोस्ट डाला हुआ है और ये बताया हुआ है कि ये सबसे थिकनेस स्मार्टफोन होगा जो 2020 का स्मार्टफोन है। तो ये सबसे ज़्यादा थिक होगा, ये बताया जा रहा है 7.5 mm तक की थिकनेस के साथ आने वाला है। ये आपको देखने को मिल सकता है Amazon पर। तो अगर आप लोग लेने में सक्षम है, यानी आप लोग लेना चाहते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो अगली खबर है डॉक्टर स्ट्रेंज इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये कोड नेम आया हुआ है, लिस्ट हो चुका है बेंचमार्किंग लिस्टिंग पर, जो कि HMD ग्लोबल ने किया हुआ है। ये है नोकिया का एक स्मार्टफोन नोकिया 3.4, जो कि मैं कह रहा था कि लॉन्च होने वाला है, वो लिस्ट हो चुका है बेंचमार्किंग लिस्टिंग पर। इसका कोड नेम आया हुआ है डॉक्टर स्ट्रेंज, और इसमें जो स्पेसिफिकेशन आई हुई है वो ये है कि ये 3 GB रैम स्टोरेज के साथ आता है। ये 3 GB रैम की स्टोरेज से शुरुआत होगी इसकी, और साथ साथ इसमें स्नैपड्रैगन का 460 प्रोसेसर होने वाला है। तो अगली खबर एक सेल के बारे में, जो कि है रियलमी यूथ डे सेल। तो ये स्टार्ट होने वाला है 24 अगस्त से। तो 24 अगस्त से अगर आप लोग रियलमी के कोई भी जो प्रोडक्ट हैं वो परचेज करना चाहते हैं, तो इनकी वेबसाइट पे जाकर आप लोग परचेज कर सकते हैं। ये सेल इनका हमेशा आता है जैसे रियलमी यूथ डे सेल। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं इनके वेबसाइट पर। तो अब एक खबर Xiaomi, Poco एंड Redmi के लिए। तो ये जो आप लोग स्मार्टफोन अभी परचेज किए हुए हैं, जिनमें गवर्नमेंट का बैन ऐप अभी भी आया हुआ है, आपने खरीदा हुआ है उसके बाद भी, तो उनमें एक बड़ी खबर कि आप इसका MIUI का सिस्टम अपडेट जो आने वाला है उसके साथ इस ये बैन ऐप हट जाएंगे। ये ऐसा जो कंपनी है उसने कह दिया है कि हमने डालने वाले हैं, लमसम एक हफ्ते में आप सभी के फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। तो अगली खबर है Redmi की ओर से। तो Redmi 9 टीज हो चुका है, ये आने वाला है 27 अगस्त को
और इसमें ये कहा जा रहा है कि ये रिब्रांडेड हो सकता है जो चाइना में लॉन्च हुआ है Redmi 9C उसकी तरीके से, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि इसमें बैक में डुअल रियर कैमरा होने वाले हैं, यानी केवल आपको बैक में केवल डुअल कैमरा सेटअप ही देखने को मिलेगा। अब अगली खबर ब्लैकबेरी की ओर से, तो ब्लैकबेरी भी आप लोगों ने काफ़ी दिनों बाद नाम सुना होगा, क्योंकि अभी इस टाइम पता नहीं क्या हो रहा है कि रोज़ पुरानी कंपनियाँ अपना स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए आगे आ रही हैं। तो आप लोगों को लिए एक ब्लैकबेरी ने भी अपना एक पेटेंट डाल दिया है, ये भी कह रहे हैं कि अपना 5G फोन स्मार्टफोन लाने वाले हैं 2021 में, यानी अगले साल ये लाने वाले हैं, और जिसमें कि होने वाला है इनका फिजिकल कीबोर्ड। तो फिजिकल कीबोर्ड के साथ देखते हैं कितने लोग लेंगे इस स्मार्टफोन को, लेकिन ध्यान रहे ये 5G स्मार्टफोन होने वाला है। मेरे ख्याल से कीपैड स्मार्टफोन होगा, बट नहीं, 5G कीपैड इस्तेमाल कौन करेगा। तो इसके कारण देख सकते हैं ब्लैकबेरी का कौन सा स्मार्टफोन आने वाला है। तो अगली खबर सैमसंग की ओर से, तो सैमसंग का M51 हो सकता है लॉन्च हो जाए, क्योंकि इसके लीक्स काफी निकल के आ रहे हैं इस टाइम। तो कुछ लीक्स अभी आए हुए हैं कि इसमें आती है 6.67 इंच की एमोलेड डिस्प्ले, और इसी के साथ साथ ये आता है स्नैपड्रैगन 730 SoC प्रोसेसर पर। तो SoC मुझे अभी नहीं पता है कि क्या होता है ये प्रोसेसर, लेकिन मैं आपको अगले टेक न्यूज़ में, यानी कल की टेक न्यूज़ में मैं बता दूंगा कि ये SoC क्या है। लेकिन अगर आप लोग जानते हैं SoC के बारे में तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं भी जान सकूँ और मेरी जो जनता है वो भी जान सके कि SoC प्रोसेसर में क्या है। तो अगली बहुत बड़ी खबर है लावा के लिए, तो लावा ने लावा पल्स लॉन्च किया है इंडिया में, जिसमें आता है ये फीचर स्मार्टफोन है, यानी कीपैड स्मार्टफोन जिसको आप लोग कहते हैं। तो ये लॉन्च कर दिया है, इसमें आता है हार्ट रेट सेंसर एंड ब्लड प्रेशर सेंसर, ये दोनों के साथ ये आता है, और इसकी जो प्राइस है वो है 1949 रुपये, यानी 1949 रुपीज़। तो देख सकते हैं अगर आप लोग लेने के लायक है आप लोगों के, तो आप ले सकते हैं, देख सकते हैं लावा का पल्स स्मार्टफोन को। तो अगली खबर है गूगल की ओर से, तो गूगल का जो गूगल जीमेल्स है ये इसका जो सर्वर है वो डाउन हो चुका था सवेरे की 9 बजे, यानी आज जो 20 अगस्त है आज सुबह 9 बजे के करीब ये इसका जो सर्वर है वो डाउन हो चुका था। तो लमसम 62 से 68% जो जीमेल का सर्विस होती है वो आपको नहीं मिल पा रही थी। तो ऐसा गूगल ने खुद एक्सेप्ट भी किया है कि ये इशू आई हुई थी, तो उसे ये जल्द ही फिक्स कर दिए हैं और इसको अच्छे से फिक्स करना चाह रहे हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा मेरे वीडियो को जितना आपसे हो पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।